हेलो दोस्तों, मैं करण बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं स्टडी के टू गुप्ता। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा था जिसमें 13 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। आप उस पार्ट को भी जाके देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैं जीव विज्ञान करा रहा हूँ। टोटल इसमें 1450+ क्वेश्चन को कराएंगे। अब आज मैं पार्ट 14 लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसारोहण या इनमें से कोई नहीं? चलिए सर, जल्दी से इसका ऑप्शन बताइएगा, आंसर बताइएगा कौन सा सही होगा। दोस्तों, इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? दोस्तों, मतलब पेड़ पौधे श्वास किस अंग से लेते हैं? फूल, पत्ती, जड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, ये तो आंसर आपको पता होगा, बी नंबर हो जाएगा। पत्ती के द्वारा पेड़ पौधे श्वास लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तने में, फलों में या फिर पेड़ों की पत्तियों में? पेड़ों की पत्तियों में, क्योंकि दोस्तों इसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15, 17, 16 या फिर 20? तो इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। हरे पौधों को कुल 16 तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें आपका सेवन जो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, और +9 जो होता है दोस्तों वृहत पोषक तत्व होता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना जल का पौधा, बिना मिट्टी का पौधा, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, यानी कि जल, यानी कि जो भी पौधा होगा वो जल में ही उगेगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, बिना जल का पौधा, यानी कि इसका आंसर तो आप ऐसे ही काट सकते हैं, बिना मिट्टी का पौधा, यानी कि हाइड्रोफाइट जो होता है जल में होता है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी बिना मिट्टी का पौधा, यानी कि मिट्टी में ना उगने वाला, यानी कि जल में उगने वाला, तो आप बी नंबर टिक कर सकते हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए या फिर आंतरिक अवलंबन के लिए? तो आंसर बताइएगा जल्दी से इसका क्या होगा, डी नंबर आंसर कर लीजिएगा आप। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, तो आप बी नंबर कर लीजिएगा, हरी सब्जी में। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी, प्रकाश, हवा, ताप में? आप बताइएगा क्या आंसर होगा आपका। तो दोस्तों, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ ही मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश और मिट्टी के दोनों की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। जब हम चना फूलने देते हैं रात में, और जब हम उसको एक दिन छोड़ देते हैं, तो देखते हैं दोस्तों उसमें कुछ उजला उजला पार्ट निकलता है, यानी कि अंकुरण आ जाता है उसमें। तो इसी के लिए आप बोल सकते हैं कि दोस्तों उसमें मिट्टी की भी आवश्यकता नहीं है और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इन पानी, हवा, ताप, ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखिएगा। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है, जल स्त्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या फिर रासारोहण? दोस्तों, जड़ से पौधे के विभिन्न अंगों तक जो जल पहुंचता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम रासारोहण बोलते हैं। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, इन चारों ऑप्शन में बताइएगा क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस में? तो दोस्तों, पौधे की लंबाई में आपका सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कैल्शियम, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था, बताइएगा? तो दोस्तों, ये सोरेन सोरेन सेन ने दिए थे। अदरक होता है मूल, पत्ती, परतान या तना, बताइएगा अदरक किसका रूपांतरित है? तो दोस्तों, अदरक होता है तना का। चलिए इसका आंसर बताइएगा, रेशम किससे उत्पन्न होता है, यानी कि रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, या फिर रेशम के कीड़े के लार्वा से, या फिर आप स्वयं कीड़े से? तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में क्या होगा।
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, रेशम के कीड़े के पीपा से। दोस्तों रेशम के कीड़े के लार्वा से आप टिक नहीं कीजिएगा, ये गलत हो जाता है, रेशम के कीड़े के पीपा से आप टिक कीजिएगा। प्याज क्या है बताइएगा दोस्तों, परकंद यानी कि राइजोम, बल्ब, ट्यूबर या फिर कॉर्न। तो प्याज को हम बल्ब भी बोलते हैं, यानी कि प्याज बल्ब है। जेली, स्टार्च और प्रोटीन उदाहरण किसका है, इन चार ऑप्शन में देखिएगा और बताइएगा। जेली, स्टार्च और प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण होता है द्रव का ठोस में विलयन, यानी कि सी नंबर। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो बताइएगा जल्दी से आंसर। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, निवांस। एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए आप, एक सही ऑप्शन को टिक कीजिए। दोस्तों आंसर सी नंबर होगा, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है, जीनॉन, आर्गन, हीलियम या क्लोरीन में? पहले दोस्तों मुझे आप ये बताइए कि नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैस भी इसे बोलते हैं, ये होती है कौन कौन से? तो दोस्तों देखिएगा मैं लिखता हूँ, दोस्तों ये होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, चिनोन और रेडोन। इन इन इसमें देखिए आप क्लोरीन नहीं आता है, तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है कि नोबेल गैस कौन सी नहीं है, तो दोस्तों क्लोरीन नहीं है, क्योंकि नोबेल गैस होती है हीलियम, न्योर, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव त्वचा क्या है बताइएगा, मानव त्वचा क्या है? एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है, या फिर आप तीनों टिक, उपरोक्त में से तीनों नहीं मतलब तीनों गलत कर सकते हैं या फिर तीनों सही कर सकते हैं। तो दोस्तों मानव त्वचा एक शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा तो आपका हो जाएगा आंत यानी कि लीवर। और दोस्तों एक कोशिका जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक, जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और दोस्तों बहुत सारे सेल मिलके, यानी कि मान लीजिए एक सेल है, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल, छः सेल, ऐसे कई सारे सेल मिलेंगे तब जाके उसे हम एक ऊतक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मेथेन, एथेन, एथिलीन या एसिटिलीन? तो दोस्तों ये एथिलीन का उपयोग किया जाता है। खाली स्थान का अवघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, इन चारों ऑप्शन में आप सेट करिए खाली स्थान पर क्या आएगा, वृक्क कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क कोशिका या फिर यकृत कोशिका? तो दोस्तों आंसर सी नंबर होगा, मस्तिष्क कोशिका का अवघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण होता है। 1 ग्राम वसा देती है, जल्दी से आंसर बताइएगा कितना होगा आंसर, 1 ग्राम वसा देती है आपका दोस्तों 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। सुक्रोज में क्या होता है, इन चारों ऑप्शन को पढ़ के आप टिक कीजिए, सुक्रोज में होता है। तो दोस्तों बी नंबर आंसर हो जाएगा, सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज होता है। और दोस्तों प्राकृतिक रूप से फ्रैक्टोज बहुत ही मीठा माना जाता है, और दोस्तों शहद में फ्रैक्टोज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है, ये तो आपको आंसर पता होगा दोस्तों, विटामिन के हो जाएगा। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए? तो दोस्तों आपको पता होगा विटामिन ए। विटामिन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो दोस्तों गाजर में। अब विटामिन का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रतौंधी किसके कारण होती है, दोस्तों ये मैंने आपको अभी बताया था, विटामिन ए की कमी से होती है।
डायबिटीज यानी कि मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। मछली का लीवर भरपूर होता है। दोस्तों मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो दोस्तों उसके लीवर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों मछली के पूरे शरीर में विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? दोस्तों ये तो जानते होंगे, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग भी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो दोस्तों ये पिट्यूटरी होती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो साथ ही इसी के साथ आज का क्वेश्चन हो गया पूरा। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे एक रेड बटन होगा, उसे जाके आप क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।